अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो है बहुत अपसेट सा हूँ, क्योंकि मैं इंस्पायर था एक शख्स से जिसको देख के मैंने YouTube शुरू किया, YouTube की व्लॉगिंग शुरू की। वो शख्स मुझे बहुत पसंद था, मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी, मुझे उसकी वीडियोस बहुत पसंद थी, उसका व्लॉगिंग स्टाइल बहुत पसंद था। पसंद था नहीं, पसंद है। वो शख्स कह लो कि वो कहते हैं ना कि आइडियल शख्सियात में से है, तो वो मेरी आइडियल शख्सियात में से है। तो जब उसने YouTube क्विट करने का बोला तो मुझे बड़ा मतलब सैड फील हुआ, मैं बहुत अपसेट हो गया कि यार ये मतलब एक इंस्पायरेशन है यंग जनरेशन की, ये शख्स जो है YouTube छोड़ रहा है, जिससे इंस्पायर हो रही है नई जनरेशन और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख रही है उससे। वो YouTube के थ्रू वो बहुत सारे नए लोगों को, नई जनरेशन को, यंग जनरेशन को एक वे दिखा रहा था कि क्या वे है, आप इस तरह भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप ज़िंदगी में ये स्टेप भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बड़ा उदास हुआ हूँ। और वो नाम है इरफान जुनेजो। कल इरफान जुनेजो ने एक वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे बड़ा मतलब अजीब फील हुआ कि यार मैं दो लोगों से बड़ा इंस्पायर था, इरफान जुनेजो और मोरो, आका मोरो जिनका नाम है। इनकी वीडियोस आउट क्लास वीडियोस होती हैं, इनकी एडिटिंग आउट क्लास एडिटिंग होती हैं, इनकी कैमरोग्राफी, कैमरा जो कैप्चर करते हैं ये लोग, व्यूज़ जिस तरह से ये कैमरा यूज़ करते हैं आउट क्लास। तो मैं बड़ा इंस्पायर था इन दोनों से, था नहीं, बार बार मैं था बोल रहा हूँ, हूँ इंस्पायर इन दोनों से। तो बड़ा बुरा फील हो रहा है मुझे कि यार इरफान जो है ना वो YouTube क्विट कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट, अगर इरफान भाई तक पहुँच सकती है तो मैं ये कहूँगा कि यार आप इरफान भाई, ठीक है आप ज़िंदगी में जो भी स्टेप उठाना चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं, आगे जाएँ, आप जो स्टेप उठाना है उठाएं, लेकिन एक आपसे मोहब्बत करने वाले लोग, आपसे जो अटैच हैं लोग, उनका साथ ना छोड़ें। उनके लिए जो है ना एक आध वीडियो जो है, बड़े भले थोड़ा सा गैप दे दें वीडियोस में, लेकिन एक आध वीडियो उनके लिए बना दिया करें, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैं बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत छोटा सा अभी मैंने जो है ना यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है और मेरे बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर हैं। तो बस मैं यही कहूँगा, अगर मेरा मैसेज इरफान भाई तक पहुँचता है, इरफान जुनेजो तक पहुँचता है, कि रिक्वेस्ट है फरहान अली की कि वो YouTube जो है ना वो अलविदा ना करें, YouTube की वीडियोस वो बनाते रहें, थोड़ा सा गैप दे दें, उनसे जो है ना इंस्पायरेशन मिलती है लोगों को, यंग जनरेशन को। तो ये रिक्वेस्ट है। तो इरफान भाई प्लीज़, हो सके तो इस मैसेज को देखिएगा ज़रूर, अगर आप तक ये मैसेज पहुंचता है। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।